एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी, इन तीन चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं, जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था, हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है, किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात है, मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम तीन